राम सीताराम सबको गुड मॉर्निंग। तो अभी ओम एंड राम दे निकल चुके हैं दोनों स्कूल के लिए। आज थोड़ा सा मन नहीं था एक मिनट, लेकिन फिर रेडी हो गया और अभी मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी जो भी है, क्योंकि आजकल हम जल्दी उठते हैं। और फिर अभी गाय का दूध भी निकालते, क्योंकि अभी सूरज भाई को भी दूध पीना। तीनों बिजी खाने में, सुबह सुबह इसका खाना होता है ये, और टाइगर यहाँ पे बैठा है साथ में। अभी हमारे फ्रेश चीकू देखो बहुत सारे आ चुके हैं। अभी ऑलरेडी कल निकाले हैं थोड़े से, अभी ये साइज में बड़े हो रहे हैं, तो अभी इसको ये पकेंगे। अब ये चीकू आता है, फूल भी बहुत आता है, फ्लावर्स भी बहुत ज्यादा है। ये ग्रास भी कट हो गया है और अभी रामो के खेत में धनिया की कटाई चल रही है। अभी हमारे गेहूं को तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर यहाँ पे पानी भी पापा ने स्टार्ट किया है। हमारी ये जो प्याज है उसको भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, और अभी हमारे गार्लिक को भी पानी की ज़रूरत नहीं है। अभी इस ये जब पत्ते सूख जाएंगे तो हम निकालना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको बहुत ही सारे चेरी टमेटोज फ्रेश वाले ऑर्गेनिक देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी इसमें से निकालने पड़ेंगे। और ये है वालोर, एक टाइप के बीन्स ही है। तो अभी आज हम इसकी सब्जी बनाने वाले हैं। ये भी हमारे घर पे ही है यहाँ पे। रामदे आ गया अभी, और रामदे जैसे ही आता है सारी गायें मीरा और सब उसका खाना बाकी होता है तो वो बुलाती है सीधा कि चलो हमारा खाने का टाइम हो चुका है। तीनों को भी खाना देना होता है, लेकिन इसका दूध निकालने का कोई टाइमिंग नहीं है, क्योंकि अभी दूध नहीं दे रही तीनों में से एक भी, तो कभी भी रख देते हैं इसको। और तीनों को अलग रखते हैं, फिर भी मीरा थोड़ी सी दादागिरी करेगी, लेकिन मीरा को ज़्यादा रखा हुआ है ताकि जब तक वो अपना खा ले तो वो दोनों अपना खा ले। तो अभी मैं लेके आई हूँ फ्रेश गार्लिक सब्जी के लिए, अभी हमारे खेत में से ही। और अभी रामदे गया था जूनीवाड़ी पे, तो वहाँ से ये बेर लेके आया है, तो मुझे अब रहा नहीं जा रहा ये खाने से, तो मैं ये भी खा लेती हूँ। और बाकी का जो अभी मक्खन निकालने का काम है वो भी मैं स्टार्ट करती हूँ। ये है हमारे दूसरे खेत के गेहूँ, जो कि अभी 10-15 दिन तो रहेंगे, उसके बाद इसकी कटाई होगी, हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्टर आएगा। और ये है चने चाचा के खेत में, जो कि अभी ये भी जल्दी काटने पड़ेंगे, लेकिन कुछ टाइम है अभी, उसके बाद कटेंगे। बाकी धनिया थे सबके खेतों में, तो वो भी अभी कट रहे। तो अभी ये सीड्स हो गए रेडी, तो मैं इसकी सब्जी बना देती हूँ पहले। और प्रसन्न के लिए मैंने खीर भी रख दी है, और यहाँ पे हो गया मक्खन रेडी, तो वो भी निकालती हूँ। तो यहाँ पे ओम आ गया है स्कूल से वापस, अभी बाहर धूप है तो सब लोग अंदर रेस्ट कर रहे हैं। और ओम अभी खाना है ना, और आज के मजा आया तुमको स्कूल में? आज ओम ने फुटबॉल भी खेला था है ना? हाँ। वॉलीबॉल भी? और मैंने के वॉलीबॉल ही खेला था। तो वॉली फुटबॉल फुटबॉल गर्ल गर्ल्स ने ले लिया, इसलिए मैंने वॉलीबॉल यूज करा। क्या उसमें बॉल नहीं था, कैप्टन था। अच्छा, गोल के लिए नेट ही नहीं थी है ना? अच्छा, ऐसा था। फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे तरबूज का कटिंग हो रहा है, अच्छा दिख रहा है ना? अच्छा, टेस्ट में भी देखना पड़ेगा। वो होता है ना, वो उसका टेक्सचर थोड़ा सा कणकी वाला टेक्सचर। इसको कणकी वाला बोलते हैं। लेकिन आजकल तरबूज मीठे ही है। अभी हमारे जो स्वीट पोटैटोज़ है, दो टाइप के हैं, एक रेड है और एक वाइट है। ऐसे बोलते हैं कि जो रेड होते हैं वो ज्यादा न्यूट्रिशंस और मिनरल्स से भरे हुए होते हैं। अच्छा, निकाल रहे। बहुत टाइम से खा रहा हूँ छोटा सा तब से, लेकिन ये नहीं पता था। अच्छा लगता है। ये वाला अच्छा होता है। ये देखा, ऐसे अंदर होता है जमीन के अंदर पूरा। पोटैटो होता है वैसे ही होता है ना, थोड़ा सा सिमिलर स्टाइल में।
जमीन के अंदर ही होते हैं ये सारे। इसको निकालने में ध्यान रखना पड़ता है वरना ये टूट जाते हैं अंदर। ये किस तरह से किस तरफ मुड़ा है वो पता नहीं चलता ना बाहर से, इसलिए ये इसकी वो जा रही है। देखो ऐसे निकलता है अंदर से, अभी बड़ा है आगे थोड़ा सा। और एक में वो ज्यादा होता है जो अंदर धागे धागे जैसा टेक्सचर होता है ना, वो इसमें ज्यादा होगा, वो इसमें नहीं होता। हाँ वही आई थिंक, तो खाने में शायद ये मजा आएगा, पता नहीं। जब अभी इसको अभी अंडरग्राउंड हमारे ओवन में डालेंगे देसी मटके में, हाँ फिर वो खाने का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि पानी के बिना ऐसे ही स्टीम से ना अच्छे से। और इसके अंदर जो पानी होता है वो क्या बोलते हैं, सेक देते हैं उसको, हाँ चला देते हैं पानी अंदर, जो बारबेक्यू करते हैं ना उसी स्टाइल। और ये मिट्टी के बर्तन में होता है ना, तो इसकी ये और भी टेस्टी बनता है। ये लोग कर रहे इसको मटके में भर के, जो लास्ट ईयर भी शायद ये प्रोसेस हुई थी पूरी, या फिर रोज रोज तो नहीं सादा कर दो। अभी थोड़ा सा इसको वो करना पड़ा, अभी छोटे हैं ना तो थोड़े नहीं, आज से स्टार्ट हुए, अभी तुम रोज करोगे तब भी खत्म नहीं होंगे। तो एक दिन दो दिन में अभी स्टार्ट करेंगे रोज के लिए। कैरेट्स और ये स्वीट पोटैटो कोई भी कंदमूल जो होते हैं जमीन के, वो एक बार हो जाए तो फिर थोड़े से भी हो तो खत्म नहीं होते। बाजार से लाए गए इतने नहीं टिकते, ये टिकेंगे। आपको पता चलेगा दोनों कैसे बन रहे इसमें से, अच्छा से पता तो तुम्हें पापा को चलेगा खा के। के कवर के लिए कैरेट्स का जो लीव्स होते हैं वो इसके ऊपर कवर कर देंगे मटके की। ये मटका मैं लाया हूँ नए वाला, थोड़ा क्यों है एक और भी लाया हूँ वो वहाँ पड़ा है। ये नॉर्मली क्या करते हैं हम, इवनिंग को रख देते तो सुबह निकलते, लेकिन आज इतना पहली बार है ना ये स्वीट पोटैटो तो इतना लंबा नहीं रहने देंगे, ये रात को निकलेंगे। अभी 6-7 बजे, दो घंटे में निकलेंगे, पक जाते अच्छे से, इसके ऊपर आग लगेगी तो हो जाएगा। इसके ऊपर लकड़ियां लगा के फिर करेंगे आग फायर, और 2-3 घंटे तक इसको ऐसे ही जलने देंगे। मैंने और पापा ने ये इसका सेटअप कर दिया, इसके ऊपर चारा वगैरह डाल के अब इसको बस आग ही देनी है। अभी अराउंड 2 घंटे में रेडी होंगे अपने आप, काम इसका चल रहा है। और खाने वाले लोग भी तब तक बाहर बैठने को आ जाएंगे, मम्मी अभी अंदर है, ओम को मैं लेके जा रहा हूँ, तो मैं और ओम भी वापस आ जाएंगे। कम हियर, अभी हेयर कट के लिए जा रहे हैं रामदेव एंड ओम, स्पेशल हेयर कट फॉर हॉलीडे। यस तो ओम की हेयर कट बड़े टाइम के बाद हो रही है, काफी लंबे हो गए थे वैसे, लेकिन स्कूल नहीं थी तो चल रहा था, अभी स्कूल ओपन हुई है, हेयर कट करने पड़ेंगे। हमारे रेगुलर बार्बर है ये रोहित भाई, और पीछे एक भांजा जिसको हम बोलते हैं, नाम किसी को नहीं पता इसका, गुमनाम है ये बंदा, और ये यूट्यूब में भी पहली बार आ रहा है। ये भगवदर है जो कि हमें यहाँ से ही सब कुछ मिल जाता है पास में, यहाँ पे काफ़ी बड़ा शॉपिंग मॉल भी है, और हमारी भी कुछ प्रॉपर्टी है यहाँ पे वैसे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और भगवदर अभी बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है, सुन टाइम ये तालुका बनेगा तहसील, यहाँ पे बैंक भी है, हॉस्पिटल्स भी है, तो सारी सुविधाएं हैं जो चाहिए होती है, और सारा कुछ मिल भी जाता है, फार्मिंग के रिलेटेड भी हो या कुछ भी हो। अभी चीकू है यहाँ पे और लखू भाई आए हुए हैं, भाई को बोल रही हूँ कि चीकू के बदले में नारियल देना, चीकू लेके जाओ और ये वापस उसमें नारियल लेके आना, क्योंकि लास्ट टाइम लखू भाई लेके आए थे
એટલું બાસકું ભીકુનું ભરે છે ને એટલું બાસકું નારિયાનું ભરે છે. ઈ નહીં લખું એટલા હોય એટલા નોર્મ પ્રમાણે જેટલું બાસકું ભીકુનું ભરાય એટલું બાસકું નારિયાનું દેવાનું. તો તમે એમાં મારે ખોઈ જ જાય. What? New haircut? Show me. I want to इसको प्रॉब्लम है इसकी जावा की आवाज से. एक्साइटमेंट होती है या प्रॉब्लम होता है समझ में नहीं आ रहा अभी. जैसे आवाज आती है जवा जाता है आता है ये जंप स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पे दो तीन वेराइटीज है. वहाँ पे मटके में गाजर रेडी है. यहाँ पे चने सेक रहे. ये चने का ओरा बनता है. और यहाँ पे ये गाजर भी हो गए होंगे रेडी. तो अभी यहाँ पे जो हमने स्वीट पोटैटोज पहले ही सीजन के रखे थे वो हो गए हैं रेडी. ये दूसरे वाले हैं, ये रेड वाले हैं. अभी देखेंगे दोनों का टेस्ट कैसा है. बाकी अच्छे से हो चुके हैं. अभी इसको गुड़ के साथ खा सकते हैं. कैसा है? बहुत हरा है पर तो गए. घर ले जाते हैं.